भगवान विठ्ठल की पावन कथा। महाराष्ट्र के पंढरपुर नगर में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठ्ठल और रखुमाई का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर की कथा बड़ी ही पावन और अत्यंत रोचक है। तो आइए भगवान विठ्ठल की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विठ्ठल नाथ भगवान की जय। कहते हैं कि एक समय देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से रूठकर पंढरपुर आ गई और वहां तपस्या करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को मनाने के लिए उनके पीछे आए। तभी उन्हें अपने भक्त कुंडलिक की याद आई। कुंडलिक भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और वह दिन और रात अपने माता पिता की सेवा किया करता था और सेवा करते करते हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले अपने भक्त को दर्शन ले आऊं। ऐसा विचार कर वह पुंडलिक के घर गए और कहा कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में मग्न था। जब भगवान आए तो पुंडलिक कहने लगा कि हे प्रभु, आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पुंडलिक ने भगवान की ओर एक ईंट दिया और कहा कि हे प्रभु, आप इसमें खड़े हो जाइए। और वह पुनः अपने माता पिता के चरणों को दबाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर अपने दोनों पैरों को जोड़कर हाथ कमर में रखकर उस ईंट पर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त पर बड़ा ही प्यार आया। वे सोचने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मेरे दर्शन को तरसते हैं और मैं अपने भक्त को दर्शन देने आया हूँ और यह भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण उसी मुद्रा में ईंट पर खड़े होकर अपने भक्त का इंतजार करने लगे। जब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर बाहर आया तब उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रभु की खूब सेवा अर्चना की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुंडलिक, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? तब पुंडलिक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको इंतजार करवाया। तब भगवान ने कहा कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगे वह वरदान मैं तुम्हें दूंगा। तब पुंडलिक ने कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ इसी मुद्रा में इसी रूप में यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा और भगवान श्री कृष्ण यहाँ आज भी विठ्ठल देव के रूप में सदा के लिए विराजमान है। भगवान विठ्ठल की यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। विठ्ठल देव के मंदिर के पास ही रुक्मणी जी का एक मंदिर बनाया गया है, इसे विठ्ठल और रखुमाई मंदिर कहा जाता है। पुंडलिक के नाम से यह गांव पुंडलिकपुर था, परंतु वर्तमान में लोक भाषाओं में यह बदलते बदलते पंढरपुर हो गया। चंद्रभागा नदी के तट पर विराजित भगवान विठ्ठल देव का यह मंदिर आस्था का केंद्र है। सभी भक्त भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विठ्ठल देव भगवान की जय।